पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। सबसे पहले तो हम एक बार फिर से बनाएं क्या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इट कंटेन्स होल्स, बहुत कम अमाउंट का होल्स होते हैं, इक्का दुक्का, लेकिन जितने होल्स हैं उतने ही एग्जैक्टली यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी अवेलेबल होते हैं। ये आपके क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और ये बीच बीच में क्या है, ये बीच बीच में है होल्स। आप सबने बिल्कुल ठीक बताया है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम दोनों इक्वल है, तो हमें ऐसा लगता है कि ये न्यूट्रल है, और है भी न्यूट्रल, न्यूट्रल तो है भी, किसी भी क्रिस्टल का, किसी भी बॉडी का न्यूट्रल या चार्ज होना डिपेंड करता है कि इसमें टोटल मिलाकर के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल है या डिफरेंट है। किसी भी तरह से, किसी भी तरह से अगर किसी एक बॉडी में क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अब यहां ये बात ध्यान रखनी है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये दोनों आपस में इक्वल है, तो फिर क्या बनेगा, ये बनेगा आपकी न्यूट्रल बॉडी। अब ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, दीज आर नॉट फ्री इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पूरे के पूरे मटेरियल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर इक्वल है तो फिर ये न्यूट्रल है। यहां यहां क्या हुआ था, यहां आपके नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम दोनों इक्वल है, लेकिन होल्स का तो अपना कोई वजूद ही नहीं है, इनका तो कोई चार्ज है ही नहीं, पॉजिटिव चार्ज की तरह से बिहेव करते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज की तरह से बिहेव करते हैं, लेकिन इनका कोई चार्ज है थोड़ी ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है यहां पर। यहां आपके क्या है, ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जो ये होल्स है इनका तो कोई चार्ज है नहीं अपना, तो फिर ये निगेटिव नहीं होना चाहिए, ये भी निगेटिव होना चाहिए। यहाँ होल्स बहुत सारे हैं, लेकिन होल्स का क्या चार्ज है, होल्स का तो कोई अपना चार्ज है ही नहीं, यहाँ भी तो इलेक्ट्रॉन्स ही, थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स फ्री चल रहे हैं, तो क्या इसको भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो तीनों के तीनों ही निगेटिव होने चाहिए। सर हमने प्रोटॉन बनाया तो नहीं है, मतलब हमने पूरा एटम तो बनाया नहीं, हमने तो केवल फ्री इलेक्ट्रॉन बनाए हैं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन है जो अपने एटम को छोड़कर बाहर आ गया, लेकिन जिस एटम को छोड़कर ये बाहर आया है उस एटम में इसका काउंटर प्रोटॉन तो मौजूद है पहले ही, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन फ्री है, इट इज फ्री, और मैं वर्ड यूज करता हूं फालतू, मींस एक्स्ट्रा, इट इज फ्री बट नॉट फालतू, फालतू नहीं है ये क्रिस्टल में, एक्स्ट्रा नहीं है, जो भी इलेक्ट्रॉन फ्री है उसका काउंटर उसके एटम में मौजूद है, जिस एटम में से निकल कर बाहर आया। लेकिन यहां क्या बात है, यहां तो ऐसा नहीं है, यहां तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए बाहर से, हमने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भेजे ना बाहर से, जब पेंटावेलेंट डोपेंट मिलाया है तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए, यहां तो बॉन्ड में से नहीं निकले, तो क्या फिर इसको निगेटिव नहीं होना चाहिए, बताइए सर। लेकिन फास्फोरस के जो पार्टिकल हैं उनमें भी तो इसके काउंटर प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं। बिल्कुल सही बात है, ये फास्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया इसलिए फ्री बन गया, लेकिन जिस फास्फोरस का ये इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा, वो फास्फोरस का एटम में इसका अपना, इसका काउंटर प्रोटॉन मौजूद है। और वैसे भी सिंपल सी बात है, आपने क्या किया, आपने एक सिलिकॉन का क्रिस्टल लिया और इसके अंदर मिला दिया फास्फोरस, अब ये भी न्यूट्रल था और ये भी न्यूट्रल था, तो दो न्यूट्रल चीजों को मिला करके क्या बनना है आपका, न्यूट्रल मिलना, ना तो इस पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे ना इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे, दोनों न्यूट्रल को मिला करके न्यूट्रल बनेगा, तो इसलिए एन टाइप भी निगेटिवली चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर फ्री टू मूव बट दे आर नॉट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, कहीं बाहर से नहीं एक्स्ट्रा नहीं मिले,
एक इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के एक एटम का एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, लेकिन उस फ्री इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस में प्रोटॉन साथ आया है फास्फोरस के, फास्फोरस के साथ आया है प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन का। अब यहाँ ये क्या है, यहाँ तो ये गड्ढे बन गए, जगह बन गई, इनका तो कोई, इनका तो अपना कोई चार्ज है ही नहीं। यहाँ भी वही कंडीशन है कि आपने न्यूट्रल क्रिस्टल के अंदर एक न्यूट्रल क्रिस्टल मिला लिया, ठीक है वो ट्राइवेलेंट था लेकिन था तो न्यूट्रल। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ कम है किसी बॉन्डिंग में, तो उसी का काउंटर एक प्रोटॉन भी तो कम है न्यूक्लियस के साथ, इसलिए पी टाइप पॉजिटिवली चार्ज नहीं है और एन टाइप निगेटिवली चार्ज नहीं है, दोनों ही अपने आप में क्या है, दोनों ही अपने आप में न्यूट्रल क्रिस्टल बने होते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ फ्री, बट दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, फालतू इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये फ्री है, मूव कर सकते हैं, कहीं बाहर के नहीं है, यही इसके अपने ही इलेक्ट्रॉन है, ये भी इसी बॉडी के अंदर के हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन और होल इसी बॉडी के अंदर के हैं, तो कुल मिलाकर के क्या है, सब कुछ ये न्यूट्रल ही बना रहना है।